Assalamu alaikum dear students of class 10th, hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 के साथ जो कि एक्सरसाइज 12.3 का है. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है. डियर स्टूडेंट्स, इन फिग 12.25 ए बी सी डी इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ए बी सी एंड डी. फोर सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग थ्री सर्कल्स. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. बेटा कुल मिला के यहाँ पे हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि एक स्क्वायर है. स्क्वायर का नाम दिया गया है ए बी सी डी. इस स्क्वायर का हर एक साइड दिया गया है बेटा 14 सेंटीमीटर. वी हैव हियर द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर. उसके बाद में इस स्क्वायर के जो चार वर्टिसेस है उन चार वर्टिसेस को चार सर्कल के सेंटर लेके चार सर्कल बेटा ड्रा किए गए हैं. यानी कि यहाँ पे बेटा इस फिगर में चार सर्कल्स आपको दिख रहे हैं. इन चार के चार सर्कल्स के जो सेंटर्स है रेस्पेक्टिव सेंटर्स है वो बेटा वर्टिसेस ऑफ द गिवन स्क्वायर लिए गए हैं. लेकिन ये सर्कल्स ऐसे ड्रा किए गए हैं कि हर एक सर्कल बेटा जो बाकी के तीन सर्कल्स है रिमेनिंग थ्री सर्कल्स है उनमें से दो को टच करता है. मतलब जो सर्कल हमने ड्रा किया है By taking A as the vertex A of the square as it is center, ये circle बेटा बाकी के जो तीन circles है remaining three circles है उनमें से बेटा दो circles को touch करता है. वो वाला बेटा उनमें से कौन सा circle है that very circle जिसका center B है इसको ये touch करता है. और किस circle को touch करता है उस circle को जिसका center D है. इसी तरीके से जो circle draw किया है By taking the vertex B as its center, it will touch the two of the remaining three circles. Remaining three circles, बेटा वो circles है जिनके center A, D और C. और बेटा ये वाला circle जिसका center B है, वो उस circle को touch करता है जिस circle का center A है और उस circle को touch करता है जिस circle का center C है. Similarly, बेटा ये जो circle हमारे पास में जिसका center C है, ये बेटा दो सर्कल्स को टच करता है जिनके जो रेस्पेक्टिव सेंटर्स है रेस्पेक्टिव सेंटर्स उनके बेटा वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी ऑफ द गिवन स्क्वायर. सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स द सर्कल विच हैज बीन ड्रॉन By taking vertex D of the given square as its center, it definitely touches two of the remaining three circles, and those two circles are beta. वो circle जिसका center A है और वो circle जिसका center C है. सही बात. अब हमें क्या करना है बेटा, जो यहाँ पे shaded portion है जिसको यहाँ पे हमने shade किया है, इस shaded portion का बेटा area हमें निकालना है. क्लियरली यहाँ पे अगर आपको दिखेगा बेटा, क्योंकि ये जो हमारे पास में स्क्वायर है इसका साइड हमें दिया गया है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द फॉर्मूला दैट इज साइड स्क्वायर. मतलब इसका साइड 14 सेंटीमीटर है, इसका जो एरिया आएगा बेटा वो 14 स्क्वायर आएगा. अब मसला क्या है, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से इन रीजन के एरियाज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही बात, तो वहां से हमारे पास में फॉलो होगा एरिया ऑफ द गिवन शेडेड रीजन. ठीक. अब देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे ये रीजन है ये किस ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ मैच करता है. बिल्कुल बेटा ये सेक्टर के साथ मैच करता है, क्योंकि ये सेक्टर बेटा हमने यहाँ पे ड्रा किया है बाय टेकिंग द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर एज इट इज सेंटर. इसका मतलब ये जो यहाँ पे सेक्टर होगा इट विल बी अ स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर विच इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट. इसका मतलब इनका जो सेंट्रल एंगल होगा चार के चार सेक्टर का वो बेटा क्या होगा 90 डिग्री. अब इसके बाद में बेटा ये चार के चार जो बेटा सेक्टर यहाँ पे हमने देखे, यहाँ पे जो चार सेक्टर्स बन रहे बेटा ये चार के चार सेक्टर्स कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर है, इनका एरिया इक्वल होगा. अगर एक का भी एरिया हमने निकाला बेटा चार का एरिया होगा 4 times द एरिया ऑफ वन ऑफ दी सेक्टर्स. अब बेटा सेक्टर का एरिया किस फॉर्मूला से हमें मिलता है, दैट इज थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीपल बाई डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर. क्या हमें बेटा इन सर्कल्स इन सेक्टर्स का या इन सर्कल्स का रेडियस पता है? अरे इन सर्कल्स का रेडियस मिलेगा तो डेफिनेटली हमें सेक्टर का भी एरिया मिलेगा, क्योंकि बेटा ये सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं तो इनका जो रेडियस होगा बेटा दैट इज इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर. यानी कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो बेटा 14 सेंटीमीटर है. जाहिर सी बात है यहां से यहां तक आधा है, लेकिन ए
भी खुद कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो 7 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 7 सेंटीमीटर होगा, इस सर्कल का ये वाला रेडियस भी बेटा 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक जो सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है चार के चार सर्कल का बेटा रेडियस है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब बेटा ये जो रेडियस है इन चार के चार सर्कल्स का, ये बेटा क्या एक्ट नहीं करेंगे इन चार के चार सेक्टर्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस? डेफिनेटली, मतलब इन चार सेक्टर्स का जो सेंट्रल एंगल है बीम क्वाड्रेंट, इनका सेंट्रल एंगल बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब बेटा चार के चार सर्कल्स का जो रेडियस है, चार के चार सेक्टर्स का जो रेडियस होगा वो बिल्कुल डेफिनेटली होगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस सर्कल्स जो कि बेटा 7 सेंटीमीटर है। फिर हम ये अप्लाई फार्मूला कर सकते हैं यहाँ पे, तो थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वहां से हमारे पास में इसका एरिया फॉलो होगा। दैट इज डियर स्टूडेंट्स थीटा का वैल्यू 90 लगाना पड़ेगा, 360 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू अपना अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 7/7। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का यहाँ पे हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिखूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हियर साइड ऑफ द स्क्वायर, हियर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर ए से हम डिनोट करेंगे, तो ए का जो वैल्यू है दैट इज डियर स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद में हम लिखेंगे आल्सो सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर्स, सेंट्रल एंगल एंगल ईच ऑफ द फोर सेक्टर्स, वो फिगर से हमें बिल्कुल पता है वो कौन से सेक्टर्स है, ठीक है। सेंट्रल एंगल ईच ऑफ द फोर सेक्टर्स या फोर क्वाड्रेंट्स आप लिखिए, क्वाड्रेंट्स बेटा वो थीटा से हम डिनोट करेंगे जो कि बेटा 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक। क्लियरली रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, चार के चार क्वाड्रेंट्स का जो रेडियस होगा ईच ऑफ द फोर क्वाड्रेंट्स, इन चार के चार क्वाड्रेंट्स का जो रेडियस होगा वो बेटा आर से डिनोट करेंगे जो कि बेटा ए डिवाइड बाय 2 होगा, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर उसका हाफ होगा, बिकॉज ये सर्कल जस्ट टच ईच अदर करते हैं। इसका मतलब इन सर्कल्स का जो रेडियस होगा डेफिनेटली वो हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर होगा, वही हमने लिखा, विच इंप्लाइज दैट जो रेडियस का वैल्यू होगा वो आएगा बेटा 14/2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, which implies that जो रेडियस हमारे पास में यहाँ पे फॉलो होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा therefore एरिया ऑफ शेडेड रीजन का जो एरिया होगा डेफिनेटली बेटा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, डेफिनेटली वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का यहां पे नाम हम लिखेंगे एबीसीडी, माइनस आएगा बेटा 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक बेटा। तो चलिए बेटा यहां पे हम ये निकालते हैं, एरिया ऑफ जो हमारे पास में स्क्वायर आएगा वो तो साइड स्क्वायर होगा, दैट विल बी ए स्क्वायर, माइनस क्या आएगा बेटा 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो आएगा बेटा थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीपल बाय पाई आर स्क्वायर। नाउ वी विल जस्ट प्लग हियर द वैल्यूज, दैट इज ए स्क्वायर बेटा आएगा 14 स्क्वायर, विच इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, माइनस आएगा बेटा 4 टाइम्स, थीटा का वैल्यू बेटा 90 डिग्री होगा, सही बात। फिर उसके बाद में 360 डिग्री नीचे आएगा इसमें, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू पाई का 22/7 और मल्टीप्लाई आएगा आर स्क्वायर, विच इज डियर स्टूडेंट 7/7, बिकॉज क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ ऊपर निकाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 × 1 = 7, ये 0 डिग्री और 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 4 × 4 = 36, 4 और 4 कैंसिल होके ये 1 बन जाएगा, सही बात। 14 स्क्वायर कौन नहीं जानता, 196 के बराबर है, 196 और सब्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे होगा, ये 1 बन गया, ये भी 1 है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 1 बन गया, यहाँ पे खाली 22 है, और उसके बाद में बेटा इसको मल्टीपल हमें करना है 7 से, तो वो कितना आएगा 196 माइनस आएगा बेटा
7 टू आर 14, एक चिड़े के कैरी, 7 टू आर 14 और आएगी 15। अब बेटा हमने क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कैरी करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्शन में से हमने क्या करना पड़ेगा, 6 में से 4 निकालने पड़ेगी तो 2 आएगा, और 9 में से 5 निकालेंगे तो 4 आएगा, 1 में से 1 तो 0 आएगा। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास में शेड रीजन का एरिया होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा वो कितना आएगा, दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया, उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास में स्क्वायर था जिसका हर एक साइड 14 सेंटीमीटर दिया गया था। इस स्क्वायर के जो चार बेटा वर्टिसेस है, इन चार के चार वर्टिसेस को सेंटर लेके चार सर्कल्स को ड्रा किया गया था, जो सर्कल्स आपस में बिल्कुल टच कर रहे थे, रिमेनिंग टू सर्कल्स को आउट ऑफ द थ्री सर्कल्स, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था जो यहाँ पे शेड किया गया है। उसके लिए मैंने बताया आपको क्या करना है बेटा, डेफिनेटली एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस फोर क्वाड्रेंट्स, क्योंकि चार क्वाड्रेंट्स बेटा, चार कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के बेटा क्या है, पार्ट से, तो ये आपस में भी कॉन्ग्रेंट होगी, सही बात। तो क्योंकि इनका सेंट्रल एंगल बेटा जो है दैट इज 90 डिग्री बीइंग क्वाड्रेंट, उसके बाद में इनका जो रेडियस है दैट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हर एक सर्कल का जो यहाँ पे रेडियस आएगा गिवन सर्कल्स में से, ठीक है, चार के चार सर्कल्स का रेडियस हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर होगा, दैट इज 8 डिवाइड बाय 2 जो कि 14 डिवाइड बाय 2 जो कि 7 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। तो उसके बाद में बेटा जो इन चार क्वाड्रेंट्स का एरिया होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 4 टाइम्स थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, साइड ऑफ स्क्वायर मेंशन किया, सेंट्रल एंगल हमने मेंशन किया क्वाड्रेंट का जो कि 90 डिग्री है, फिर हमने क्लियरली रेडियस हर एक क्वाड्रेंट का मेंशन किया जो कि हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है, फिर उसके बाद में बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने यहाँ पे बताया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 टाइम्स, लेकिन ठीक है बेटा वो ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज द वेल नोन फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। 14 स्क्वायर कौन नहीं जाता, 196 है, और यहाँ पे 4 तो अपना आएगा थीटा का मतलब क्वाड्रेंट के लिए 90 डिग्री, 360 डिवाइड में आएगा 22/7 अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू ऑफ पाई, 7 × 7 फिर 196, और यहाँ पे 22 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा, 7 हो गया था रिड्यूस, वो 1 बन गया था, यहाँ पे 4 और 4 रिड्यूस, 90 और 360 रिड्यूस, जिसने 4 जनरेट किया था, 4 बेटा 4 के साथ न्यूट्रलाइज होके 1 और 1 फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो 22 × 7 नटशेल में हमारे पास में यहाँ पे आया, तो डिफरेंस यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के 154 आया, डिफरेंस हमने देखी तो वो 142 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका मतलब जो हमारे पास में ये शेडेड रीजन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा, इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बेटा क्या है कि आप बताओगे कि सर ने यहाँ पे रिपीट ये क्वेश्चन क्यों किया, इसलिए बेटा क्योंकि अभी यहाँ पे लाइटर्स नहीं है, लाइटर्स ऑफ होने की वजह से, लाइटर्स ना होने की वजह से यहाँ पे आपको क्लियरली बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे ये रिपीट किया। और बेटा आपसे दरख्वास्त है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है आप वो खुद करोगे इंशाल्लाह ताला, इस हफ्ते में हम इस एक्सरसाइज को फिनिश भी करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।